पहले भी तो मैं ऐसे ही जानती थी, अब तुम्हें क्यों ख्याल आ रहा है? अब तो मेरी बीवी बनने वाली हो, और ये बात आज समझ लो कि मैं शादी के बाद ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो तुम कौन होते हो मुझे इतने रोकने वाले? काश कि चाची ने तुम्हें अच्छे और बुरी की तमीज दी होती। आज ये नौबत ना आती कि मुझे तुम्हें समझाना पड़ता। उमेर आखिर खुद को समझता क्या है? मुझे तो लगता है शादी के बाद मुझे कैद की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उमेर तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैं अपने साथ इस तरह नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। शाहिद, जी बीबी जी, उमेर कहाँ है? जी उमेर साहब तो अपने कमरे में। मैं उमेर साहब और फातिमा बीबी के लिए चाय बनाने जा रही थी, तो उन्होंने कहा बड़ी बेगम साहिबा को भी बुला लो, साथ चाय पियेंगे। वो अनिका बीबी, मैं आपके लिए भी चाय बना लूं? चाय नहीं, जहर ला दो मुझे तो। जी अच्छा, जहर? जी बीबी जी, दफा हो जाओ। हेलो अनिका, फातिमा है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही। सब ठीक तो है ना? कहाँ होगी वो? बैठी है उमेर के साथ कमरे में, बातें कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी कौन सी बातें जो खत्म नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें देख लो पूरी हैं या नहीं, फिर बार बार फ़ोन करती हो और कमाल करती हो, बताती भी नहीं हो, अपने खुद ही प्लान्स बनाती हो। मुताहिर, मेरा यहाँ रुकने का इरादा नहीं था, ताइमी ने ज़बरदस्ती रोक लिया और मैं आपको बार बार फ़ोन कर रही थी लेकिन आपका नंबर मुस्तकिल ऑफ जा रहा था। हाँ तो मैं एक बिजी इंसान हूँ, मीटिंग्स में होता हूँ, तुम्हारी तरह घूमता फिरता नहीं रहता। मुताहिर, अगर आपको मेरा यहाँ रुकना बुरा लग रहा है तो मैं अभी इसी वक्त आपके साथ चलती हूँ। नहीं रहने दो, फिर सब बोलेंगे कि आया था और अपनी बीवी को ले गया। जी, सारा सामान है इसमें। खैर, चलता हूँ। मुताहिर, कल प्लीज जल्दी आ जाएगा। ताया बू सब कुछ अकेले कैसे देखेंगे? आप यहाँ पे रहेंगे तो उन्हें तसल्ली रहेगी ना? ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।